तो गाइस मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए और एक नई फ्रेश वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग हुकांग का एबिलिटी को क्रोनो की तरह यूज कर सकते हो। मतलब सिंपल से फंडा है कि आप लोग किस तरीके से, मतलब कि आप लोगों को पता ही होगा कि क्रोनो का एबिलिटी जब यूज करते हो तो आप लोग उस क्रोनो का शील्ड के अंदर से ही रह के बंदे को मार सकते हो। और अगर आप लोग ए ट्रिक हुकांग के अंदर यूज करने जाते हो तो आप लोगों को पता हो हुकांग का बूस्ट फट जाता है। तो गाइस सिंपल सा मतलब कि इस वीडियो के अंदर मैं यही एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से क्रोनो की तरह हुकांग का बूस्ट होकर भी किस तरीके से गोली मार सकोगे बिना किसी डैमेज का। तो चलो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट किए अच्छा वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल के अंदर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग के एक एक लाइक से या फिर एक एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। और उसके साथ साथ आप लोग वीडियो कैसा लगा या फिर इसके बाद किस टॉपिक के अंदर आप लोग वीडियो चाहिए उसके अंदर मतलब कमेंट कर देना। तो चलो गाइस अच्छा वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आ चुका हूं टेडी मोड के अंदर और मैं आप लोगों को यहां पर करके भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप लोग इसका एबिलिटी का यूज कर सकोगे। तो गाइस आप लोगों को पहले तो क्या करना होगा, मैं यहां पर M249 गन का इसलिए कर रहा हूं कि इसमें मतलब 100 के आसपास गोली पकड़ता है, मतलब कि 100 से ऊपर का गोली हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं मैं दूसरा गन यूज कर रहा हूं। तो चलो गाइस क्या करना होगा, पहले तो आप लोग यहां पर देख सकते हो फायर वाला स्विच है। तो आप लोग क्या करना होगा, यहां पर आकर बंदे की तरह तरफ एम ले जाने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, फायर वाला स्विच को यूज करने के साथ साथ हुकांग का बूश वाला यूज भी, मतलब हुकांग का बूश वाला स्विच भी यूज करना होगा। देखो गाइस पहला स्टेप कि मुझे क्या करना होगा, फायर वाला स्विच को यूज करना होगा, उसके साथ साथ हुकांग का बूश। देखो गाइस कितना आसान है, यहाँ पर गाइस आप लोग मतलब कि बहुत ही आसान तरीके से यूज कर सकते हो। और मैं आप लोगों को बता दूं, और यहाँ पर यूज करते करते अगर आप लोग मतलब फायर को एक बार छोड़कर फिर से यूज करोगे तो गाइस आपका बूश जो है फट जाएगा। मतलब कि आप लोग अगर यूज करोगे तो आप लोग एक साथ ही गोली छोड़ना होगा इस तरीके से बूश को यूज करने के बाद। और आप लोग यहाँ पर गोली छोड़ के फिर से अगर मारने की कोशिश करोगे तो हुकांग का बूश टूट जाएगा। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को फायर चौंक के अंदर भी जाकर दिखा देता हूँ। पर क्या करना होगा, सिंपली फायर को यूज करने के साथ साथ हुकांग, देखो अरे भाई कहाँ गया, यहाँ पर बंदा। देखो गाइस आप लोग स्कोपिंग स्कोप आउट करके भी मर सकते हो, बंदा मतलब डेड होने ही वाला है। अरे भाई देखो गाइस, और आप अगर आप लोग यूज करोगे तो देखो गाइस बूश फट गया। तो गाइस सिंपल सा ट्रिक है, आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। और आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा करीब है वीडियो को, मतलब कितना सब्सक्राइबर मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा, जब 2K कंप्लीट हो जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो बाय बाय गाइस, आज का इस तरीके का हुकांग का ट्रिक और भी चाहिए तो गाइस कमेंट में बता दो। और चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना।